बॉलीवुड की मशहूर सिंगर और भजन गायिका अनुराधा पौडवाल शनिवार को भाजपा में शामिल हो गई। वो दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचकर पार्टी में शामिल हुई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूं जिनका सनातन से गहरा नाता है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डिवोशनल गाने भी गाए हैं। जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई वहां मुझे गाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। इसके साथ ही उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ ली है। चर्चा है कि बीजेपी अनुराधा पौडवाल को लोकसभा चुनाव का टिकट देगी। जानकार बताते हैं कि पार्टी उन्हें चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वे पार्टी की स्टार चुनाव प्रचारक हो सकती है। बता दें कि अनुराधा पौडवाल को कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी देखा गया है। जनवरी के महीने में जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब भी उन्हें राम मंदिर में भजन गाते हुए देखा गया था। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया। गंगा आरती के समय हरिद्वार में जो सुबह शाम आरती बजती है और आरती का भजन 35 वर्ष से जो लोगों का कानों में सुनाई देता है उस भजन को भी आपने ही गाया है। अदालत को आप पर बिजली है 1974 में आपने पहली बार अभिमान फिल्म के लिए गाया था और उसके बाद लगातार हजारों गीत और भजन आपने गाया है। देश के कोने कोने में हर व्यक्ति आपका भजन हो गीत सुनना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक